अलग ही कैफियत थी उस इवेंट के अंदर। जी हाँ, हम बिला तहीर उस इवेंट की बात करने जा रहे हैं कि जिसमें अभी आपको ले के भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं? हमने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर बहुत सारे जो इवेंट हैं उनको कवरेज दी, जिनमें तकरार लव्स एंड उसके अलावा हयातिन कंप्यूटर सोसाइटी का जो है वो स्पोर्ट फेस्टिवल 1 वीक का हुआ, फिर जूलॉजी डिपार्टमेंट का एग्जीबिशन हुआ, इस तरह के बहुत से इवेंट जो हैं जिनको हमने कवरेज दी। लेकिन आज जिस इवेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसा इवेंट है कि बाकी इवेंट की नस्बत उसमें सकून था, दिल का इत्मीनान था और एक अलग ही कैफियत थी उस इवेंट के अंदर। जी हाँ, हम बिला तहीर उस इवेंट की बात करने जा रहे हैं कि जिसमें अभी आपको ले के भी चलेंगे। वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था हयातियन इस्लामिक फोरम ने, जो कि सोसाइटी वर्क कर रही है इस्लामिक लिहाज से इस्लाम को प्रमोट करने में और लोगों में इसका शऊर बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो कुछ नेकी की दावत देने के लिए। तो ये इवेंट का जो मेन पॉइंट था, जो मौजू था, वो था किरात एंड नात कंपटीशन। क्योंकि कुरान पाक में है कि अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मईन्नल कुलूब, कि दिलों का सुकून अल्लाह ही के ज़िक्र में है। तो इस महफिल में, इस इवेंट के अंदर जब हम गए तो क्या सुकून था, क्या पुरमसरत कैफियत थी, सुभान अल्लाह। तो चलते हैं उसी कैफियत को दिखाते हैं आपको भी इवेंट में। तो अभी हम लेके जा रहे हैं लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में। तो ले जी, यहाँ पर हयातिन इस्लामिक फोरम जो है वो किरात एंड नात कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है। हम
सिर्फ हमार पोजीशन है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से उनकी